बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं रिजवान कवी खान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कंसल्ट डिसाइड एंड बाय प्रॉपर्टीज़ बहरिया टाउन लाहौर से। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, रियल स्टेट सेक्टर के अंदर हम आपको वैसे गाइड करते हैं कि कहाँ पर आप लोग क्या चीज़ बाय कर सकते हैं, कब आप सेल कर सकते हैं। लेकिन रियल स्टेट सेक्टर के अंदर बड़े ही ज़बरदस्त चीज़ जो देखने में आती है, जिस पे रियल स्टेट सेक्टर का दारोमदार है, वो तीन पिलर्स कौन से हैं, आज के इस वीलॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ, अगर हम तीन पिलर्स की बात करें तो उसमें से एक पिलर जो है वो सेलर साइड है, एक आपकी बायर साइड है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट अदा कर रहा होता है पिलर, वो आपका रियल स्टेट कंसल्टेंट है। जी हाँ, अगर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को गाइड करूँ तो इसमें दो तरीके से हम देखते हैं कि या तो सेलर ने किसी चीज़ को होल्ड करना है, या सेलर ने अपनी चीज़ को प्रॉफिट के साथ सेल करके उस टाइम का इंतखाब करना है जहां पर उसको प्रॉफिट हो रहा हो। सेलर बायर का आपस में पैचअप करवाना और एक अच्छे तरीके से, एक एहसन तरीके से डील को फुलफिल करवाना, ये रियल स्टेट कंसल्टेंट का काम होता है। बट एट द सेम टाइम अगर हम सेलर की बात करें तो रियल स्टेट जो कंसल्टेंट होते हैं वो सेलर साइड को गाइड करते हैं और उनकी रहनुमाई इस सेंस में करते हैं कि उनके पास जो भी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं तो उनके लिए बेस्ट टाइम कौन सा है उसको सेल करने का और प्रॉफिट अर्न करने का। एट द सेम टाइम सेलर को हर तरह के टैक्सेस से अवेयर रखना और अब उनको बताना कि कौन कौन से चार्जेज जो हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं इन शेप ऑफ टैक्सेस या गेन टैक्स, जो भी उनको बियर करना है वो तमाम चीज़ें उनको हर लिहाज से कन्वे करना, ताकि उनको किसी भी किस्म की दिक्कत का सामना ना हो। एट द सेम टाइम जो सेकंड पिलर है उसको भी बताना कि आपके पास बहुत अच्छा मौका कौन सा है जहां पर जाके आप कोई ना कोई चीज़ बाय कर सकते हो, क्या ये राइट टाइम है चीज़ों को बाय करने का, और जो चीज़ें आपने बाय करनी है, चाहे वो किसी डिवेलपर का प्रोजेक्ट है या कोई कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्लॉट है, कोई फाइल है सोसाइटी की, तो उसको आप किस तरीके से क्या चार्जेस बियर करके बाय कर सकते हो। इसमें जो मैंने जैसे बात की थर्ड पिलर की, जो कि रियल स्टेट कंसल्टेंट का है, वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है, उसके ऊपर बायर और सेलर दोनों डिपेंड कर रहे होते हैं। सो रियल स्टेट कंसल्टेंट्स को बड़ी बारीकी से दोनों को साथ लेके चलना होता है, सेलर साइड को भी उन्होंने देखना होता है और बायर साइड को भी देखना होता है, और मार्केट को देखते हुए उन दोनों का पैचअप करवाना, क्योंकि अल्टीमेटली जब भी कोई बंदा कोई चीज़ सेल करने के लिए आता है तो एट द सेम टाइम कोई ना कोई खरीदार भी मार्केट में मौजूद होता है जिसकी वो रिक्वायरमेंट होती है, और उन दोनों को आपस में मिलाना और एक अच्छे तरीके से डील करवाना ताकि दोनों को परेशानी का सामना हो, ना बेचने वाले को ना खरीदार को, और आने वाले वक्त में वो दोनों साथ एंगेज रहें कि कल को इन दोनों में से कोई भी सेलर बन जाए या बायर बन जाए तो वो आपसे रब्ता कर सके। हमारे पास मार्केट के अंदर डिफरेंट लोग जो है वो हमें अप्रोच करते हैं और हमसे गाइडेंस लेते हैं और पूछते रहते हैं कि क्या राइट टाइम है चीज़ को सेल करने का, क्या राइट टाइम है बाय करने का। तो हम लोगों को ये चाहिए कि एज अ रियल स्टेट कंसल्टेंट तमाम अपने जितने भी व्यूअर्स हैं जो बायर और सेलर की सूरत में हमारे पास आते हैं, उनको अच्छे से अच्छी कंसल्टेंसी दें और कस्टमर सर्विस जो है वो प्रोवाइड करें। आप लोगों को कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है या मार्केट में किसी अच्छे डेवलपर के प्रोजेक्ट को चूज करना है, जो कि हमारे पास डिफरेंट डेवलपर्स की सूरत में मौजूद रहते हैं जो आजकल की ट्रेंडी इन्वेस्टमेंट हैं, या आपके पास कोई प्लॉट मौजूद है, फाइल मौजूद है, या कमर्शियल प्लॉट की आपने बाइंग करनी है, तो आप लोग हमसे राबता कर सकते हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि एज अ रियल स्टेट कंसल्टेंट्स आपके पास बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो है वो मौजूद है इन शेप ऑफ CDB प्रॉपर्टी। लिहाजा आज के इस वीलॉग का जो मेरा मकसद है कि वो हमारे कौन से ऐसे तीन पिलर्स हैं जो इस मार्केट के अंदर, बल्कि हर मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, वो बायर, सेलर और रियल स्टेट कंसल्टेंट है, जिनका एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। नो डाउट कि आपको आने वाले वक्त में किसी ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और आप किसी ना किसी रियल स्टेट कंसल्टेंट का इंतखाब करते हैं, तो आपको उनकी बातों से, उनके रवैयों से, उनकी गाइडेंस से पता चल जाता है उनमें प्रोफेशनलिज्म कितना है। सो अगर आपने कोई ना कोई चीज़ बाय करनी है और आप समझते हैं या सेल करनी है कि आपको किसी अच्छे रियल स्टेट कंसल्टेंट की ज़रूरत है, तो आप CDB प्रॉपर्टीज़ के नुमाइंदों से राबता कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी किस्म की बाइंग सेलिंग के हवाले से, कोई भी पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए है तो आप स्क्रीन पर दिए गए मेरे नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, +9233111580। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें ताकि आप तक हमारी हर वीडियो पहुंच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें,
दुआ में याद रखें, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।